शांति शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा बाबा।
ओम शांति। आज हम सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावचन। तारीख 2 अप्रैल 23। आज अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स की वाणी 18/2/94। टाइटल है स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करने से देवभान के अंधकार की समाप्ति। आज की वाणी में प्यारे बाबा ने बहुत सुंदर हम बच्चों को स्वमान की स्मृति कैसे करें, स्वमान में रहने से देवभान का अंधकार कैसे नष्ट होता है, आज बाबा बता रहे हैं। बाबा के मधुर महावचन सुनने के पहले हम एक मिनट साइलेंस में बैठते हैं। आज अकाल मूरत बाप सभी अकाल तख्तधारी विश्व कल्याण के ताजधारी मस्तक में चमकते हुए बिंदी के तिलकधारी बच्चों को देख रहे हैं। हरेक तख्तधारी भी है, ताजधारी भी है और तिलक भी सभी का चमक रहा है। बाबा जैसे कह रहे हैं वैसे हम अपनी आप को देखते चले, उस स्वमान में स्थित हो जाए। सभी के मस्तक के बीच आत्मा बंदी सितारे के समान दिखाई दे रही है। आप सभी भी अपने तख्त ताज और तिलक को देख रहे हो, देख रहे सभी अपने ताज तख्त और तिलक को। सारी सभा बाप दादा को ताज और तिलक धारी तख्त नशीन दिखाई दे रही है। ये अलौकिक सभा कलयुगी राज्य सभा और सतयुगी राज्य सभा से कितनी न्यारी और प्यारी है। तो ऐसी सभा की अधिकारी आत्माएं कितनी प्यारी हैं। आप सभी को भी अपना ये तख्त ताज और तिलकधारी स्वरूप प्यारा लगता है ना, प्यारा लगता है ना, बाबा पूछ रहे हैं। हमारा कौन सा स्वरूप? तख्त ताज और तिलकधारी स्वरूप। चलो इस स्वरूप में स्थित हो जाते हम। जब अकाल तख्त नशीन अकाल मूरत श्रेष्ठ आत्मा स्थिति में स्थित होकर तख्त पर बैठते हो तो ये स्थिति कितनी श्रेष्ठ है। बाबा कह रहे हैं जब हम अपने को अकाल तख्त नशीन अकाल मूरत मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं स्थिति में जब हम स्थित होकर बैठते हैं तो बाबा कहते बच्चे ये स्थिति कितनी श्रेष्ठ है।
सभी के श्रेष्ठ स्थिति की झलक इस सूरत को फरिश्ता बना देती है। श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होते ना तो वो चेहरे पर रिफ्लेक्ट करता है और चेहरा भी क्या बन जाता है, फरिश्ता जैसा। साधारण सूरत नहीं, फरिश्ता सूरत। तो फरिश्ता सूरत भी कितनी प्यारी है। फरिश्ते सभी को बहुत प्यारे लगते हैं, लगते ना एंजल्स सभी को वो लगते, क्योंकि फरिश्ता सर्व का होता है, एक दो का नहीं बेहद का होता है। बेहद की दृष्टि, बेहद की वृत्ति, फरिश्ता की बाबा डेफिनेशन कर रहे हैं। फरिश्ता एक दो का नहीं सब का होता है। फरिश्ते की वृत्ति, फरिश्ते की दृष्टि भी कैसे है, बेहद की है। सर्व आत्माओं के प्रति परमात्म संदेश वाहक है। आज फरिश्ते की बहुत सारी विशेषताएं बता रहे हैं, फरिश्ते की डेफिनेशन, फरिश्ते का कर्तव्य। फरिश्ता अर्थात सदा उड़ती कला वाला, फरिश्ता अर्थात सर्व का रिश्ता एक बाप से जुटाने वाला, फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। दे के संबंध से न्यारा हल्का, फरिश्ता अर्थात सर्व को स्वयं की चलन और चेहरे द्वारा बाप समान बनाने वाला। आज बाबा क्या कह रहे, फरिश्ता अर्थात स्वयं की चलन और चेहरे द्वारा बाप समान बनाने वाला, फरिश्ता अर्थात सहज और स्वतः अनादि और आदि संस्कार सदा इमर्ज स्वरूप में दिखाने वाला। अनादि संस्कार परम धाम के, आदि संस्कार सतयुग के। बाबा कहते ये संस्कार वो फरिश्ता स्वतः अपने चलन से दिखाता जाएगा। फरिश्ता अर्थात निमित्त भाव, निर्माण स्वभाव और सर्व के प्रति कल्याण की श्रेष्ठ भावना वाला। बाबा ने देखो क्या बताया, भाव स्वभाव और भावना। तो भाव कौन सा, मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूं, हर कर्म करते मैं निमित्त मात्र हूं। दूसरा बाबा कहते स्वभाव कैसे होगा, निर्माण, निर्माण अर्थात कोई मान शान नहीं उससे परे। तीसरा बाबा कहते सर्व के प्रति भावना कैसे होगी, कल्याण की भावना, कल्याण की भावना। तो भाव स्वभाव और भावना, ऐसे फरिश्ते होना। बाबा को जवाब दीजिए, ऐसे फरिश्ते होना। फलक से कहो हम नहीं होंगे तो कौन होगा। बाबा अपने बच्चों को उसी रूप में देख रहे हैं, तो बाबा क्या चाहते, हम बच्चे भी बड़े फलक से जवाब दे, बाबा हम नहीं होंगे तो कौन होगा। फलक है ना, तो बाप दादा ऐसे फरिश्तों की दरबार देख रहे हैं। सिर्फ इसी स्वमान में स्थित रहने से देह का भान स्वतः समाप्त हो जाएगा। मैं फरिश्ता हूं स्थिति में स्थित रहने से, बाबा कहते बच्चे जो भी देह का भान है ना समाप्त हो जाएगा।
मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बाबा देखते हैं बच्चे देव बान को छोड़ने की बहुत मेहनत करते, एक देव बान के रूप को छोड़ते दूसरा आ जाता, फिर दूसरे को छोड़ते तीसरा आ जाता, लेकिन छोड़ना सदा मुश्किल होता है और धारण करना सहज होता है। अभी बाबा कहते एक देव बान को छोड़ा तो दूसरा आएगा, दूसरे को छोड़ा तो तीसरा आएगा। तो छोड़ना नहीं, बाबा कहते धारण करना है। क्या धारण करना? बाप दादा कहते हैं स्वमान में सदा रहो। देह का भान मिटाना है ना, तो बाबा कहते स्वमान में सदा रहो। जहां स्वमान है वहां तो देह का भान आ ही नहीं सकता। अंडरलाइन, जहां स्वमान है वहां देह का भान आ ही नहीं सकता। तो छोड़ने की मेहनत नहीं करो, लेकिन स्वमान में स्थित रहने का अटेंशन रखो। क्या कह रहे बाबा? बाबा कह रहे बच्चे छोड़ने की मेहनत नहीं करो। मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं, इसकी मेहनत नहीं करो। फिर कौन सी मेहनत करो? सिर्फ मुझे स्वमान में स्थित रहना है। कौन सी आत्मा हूं? मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं महान आत्मा हूं। बस इसमें स्थित होने का अभ्यास करो और संगम युग पर स्वयं बाप द्वारा कितने अच्छे अच्छे स्वमान प्राप्त है। तो प्राप्त करना नहीं है, प्राप्त है। बाबा कहते स्वमान प्राप्त नहीं करना है, आपको स्वमान प्राप्त है, आपके पास वो है, लेकिन उसको सिर्फ रिवाइज करो, उसको सिर्फ याद करो। अच्छा बाबा देखो क्या कह रहे, डायरेक्शन दे रहे, अपने स्वमान की लिस्ट निकालो। कितनी बड़ी लिस्ट है। सारे कल्प में कितने भी स्वमान अर्थात टाइटल्स किसी भी नामी ग्रामी आत्मा के हो, चाहे राजनेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे धर्मात्मा हो, चाहे महान आत्मा हो, उनके अगर टाइटल गिनती भी करो ना, तो आपके स्वमान की लिस्ट से ज्यादा हो सकते हैं। पूछ रहे बाबा, सारे युगों में सारे कल्प में जितने भी टाइटल्स किसी भी नामी ग्रामी आत्मा को मिले, चाहे वो अभिनेता, राजनेता, धर्म नेता, कोई भी हो, महान आत्मा है, लेकिन बाबा कहते उनके टाइटल भी गिनती की है ना, वो हमारे स्वमान से ज्यादा हो सकते हैं क्या? नहीं। और रोज सवेरे सवेरे बाप दादा स्वमान की स्मृति दिलाते, स्वमान में स्थित कराते हैं। रोज भी एक नए से नया स्वमान स्मृति में रखो तो स्वमान के आगे देभान ऐसे भाग जाता जैसे रोशनी के आगे अंधकार भाग जाता। अभी बाबा ने समय भी बताया, रोज सुबह सुबह बाबा कहते स्वमान की स्मृति अपने आप को दिलाओ। एक्चुअल में एक मुरली में तो बाबा ने ये कहा था, रोज अमृत वेले उठते ही अपने को स्वमान की माला का श्रृंगार करो। सुबह उठते स्वमान की माला बाबा ने कहा उसका श्रृंगार करो, फिर बाप दादा से मिलन मनाने पहुंचो। अभी देखो बाबा क्या कह रहे हैं, रोज एक नए ते नया स्वमान स्मृति में रखो तो स्वमान के आगे देवान ऐसे भाग जाता जैसे रोशनी के आगे अंधकार। न समय लगता न मेहनत लगते, तो फिर बार बार भिन्न भिन्न देवान को मिटाने के मेहनत क्यों करते हो?
क्यों बार बार बाबा कहते मेहनत करते हो, स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करना नहीं आता है क्या? बाबा कहते स्विच ऑन करना नहीं आता है, क्यों आप बार बार देवान को मिटाने की मेहनत करते हो? कितना भी गहरा काला बादल सूर्य की रोशनी को छिपाने वाला हो, लेकिन आपके पास तो ऑटोमेटिक डायरेक्ट परमात्म लाइट का कनेक्शन है। सुना बाबा क्या कहते हैं, कितना भी गहरा काला बादल है हाँ, वो सूर्य की रोशनी को छिपाता है, लेकिन हमारे पास क्या है, ऑटोमेटिक डायरेक्ट परमात्म लाइट का कनेक्शन। डायरेक्ट लाइन है ना, डायरेक्ट लाइन है ना बाबा से। लाइन क्लियर है या लीकेज है? बाबा से लाइन एकदम क्लियर है या बीच बीच में टूट जाती है? किसका लीक होता है, किसका लिंक होता है, लेकिन लीकेज हो जाते हैं। तो डायरेक्ट लाइन कितनी पावरफुल होती है, किसकी लाइन लिंक है लेकिन बीच में कहां तो भी कटी हुई है। तो बाबा कहते डायरेक्ट लाइन कितनी पावरफुल होती है, डायरेक्ट कनेक्शन है या इनडायरेक्ट कनेक्शन है? जवाब दो बाबा को, कौन सा कनेक्शन है हमारा बाबा के साथ, डायरेक्ट कनेक्शन है बाबा से या इनडायरेक्ट है? सभी की डायरेक्ट लाइन है ना, डायरेक्ट लाइन माना सीधा बाबा को याद कर सकते हैं, बीच में और कुछ याद करना नहीं पड़ता। तो बाबा कहते किसी का आधार नहीं लेना पड़ता। तो पूछ रहे सभी की डायरेक्ट लाइन है ना, सभी को डायरेक्ट लाइन मिल गई है ना, फिर तो एक बादल क्या? बाबा कहते फिर तो एक बादल क्या? सारे बादल आ जाए अंधकार कर सकते हैं क्या? सारे बादल आ जाए तो भी बाबा कहते अंधकार कर सकते हैं क्या? स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन किया और इतनी लाइट आ जाएगी तो स्वयं तो लाइट में हो गई, लेकिन औरों के लिए भी लाइट हाउस हो जाएंगे। देखो डायरेक्ट लाइन का महत्व, बाबा कहते जिस स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन किया, मैं कौन? मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा, मैं बाप दादा से कंबाइंड आत्मा। अभी बाबा कहते उस स्मृति में स्थित हो जाओ, फिर इतनी लाइट आ जाएगी, इतनी आ जाएगी जो बाबा कहते औरों के लिए भी क्या बन जाएंगे, लाइट हाउस। ऐसा होता है ना, अनुभवी हो ना, लेकिन कभी कभी अनुभव को किनारे रख देते हो। सहारा मिला है लेकिन कभी कभी सहारे के बजाय किनारे हो जाते हो। मेहनत लगती है क्या? सदा नहीं लगती, कभी कभी लगती है। स्विच ऑन करना भूल जाते हो क्या? बाबा कहते अगर किसी भी प्रकार की मेहनत लग रही है कोई भी सब्जेक्ट में, चाहे ज्ञान हो, योग हो, धारणा, सेवा, तो बाबा क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या है? बाबा ने कहा कभी कभी अनुभव को किनारे रख देते हो, सहारा मिला लेकिन कभी कभी सहारे के बजाय किनारे हो जाते हो, स्विच ऑन करना भूल जाते हो क्या? मेहनत लगती है क्या? वास्तव में अगर एक मास्टर सर्वशक्तिवान का स्वमान भी याद हो ना, तो मेहनत की तो कोई बात ही नहीं। सिंपल एक स्वमान, मैं कौन? मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर सर्वशक्तिवान। तो बाबा कहते ये स्वमान भी अगर अच्छी तरह से याद रहा ना, तो मेहनत की तो बात नहीं। मार्ग मेहनत का नहीं है, लेकिन आप हाईवे के बजाय गलियों में चले जाते हो, मंजिल के निशाने से और आगे बढ़ जाते हो, लौटने की मेहनत करनी पड़ती है। कई बार ऐसा होता है ना, गाड़ी चलाते चलाते ध्यान में नहीं आता है, एकदम आगे चले जाते हैं और फिर
वापिस यू टर्न मार के वापिस पीछे आना पड़ता है, ऐसे बाबा कहते हैं। अगर आप हाईवे के बजाय गलियों में चले जाते हो तो वापिस लौटने की मेहनत करनी पड़ती। बाप दादा सदा अपने स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठाकर मंजिल पर ले जा रहे हैं। देखो बाबा हम बच्चों को क्या दे रहे हैं, स्नेह और सहयोग की गोदी, हाँ उसमें बिठाकर मंजिल पर ले जा रहे हैं। गोदी में बैठकर मंजिल पर पहुंचने से मुश्किल क्यों होता है? स्नेह और सहयोग के गोदी से निकलकर कभी और आकर्षण खींचती है तो चक्कर लगाने निकल जाते हो। कौन सी गोदी से निकल जाते? बाबा बहुत प्यार करते, बाबा सहयोग देते हैं। देखो बाबा मुरली सुनाते सहयोग है ना, बाबा हम बच्चों को योग के द्वारा सकार शक्ति देते सहयोग है ना, किसी न किसी आत्मा के द्वारा सहयोग देते तो ये भी सहयोग है। तो बाबा कहते बच्चे क्या करते, बाबा के स्नेह और सहयोग की गोदी से निकलकर कभी और जगह पर चक्कर लगाने चले जाते, थक भी जाते हो फिर मेहनत भी महसूस करते हो। तो इस वर्ष क्या करेंगे, मेहनत समाप्त। कहो बाबा को प्रॉमिस करो, मेहनत समाप्त, मोहब्बत में लव में लीन हो जाओ, लवलीन होकर हर कार्य करो, मेहनत नहीं लगेगी, बाबा के प्यार में बस मगन हो जाओ। बाबा के प्यार में मगन होकर लवलीन होकर बाबा कहते हर कार्य करो तो क्या हो जाएगा, जो लीन होता है ना उसको और कुछ दिखाई नहीं देता, आकर्षित नहीं करता। तो लव में रहते हो, ऐसा कोई होगा जो कहे मुझे बाबा से प्यार नहीं है, लव नहीं है? ऐसा कोई हा? कोई भी नहीं ना, कोई भी नहीं बाबा। तो बाबा कहते कि ऐसा कोई होगा जो कहे मुझे बाबा से प्यार नहीं, लव नहीं है? सभी का लव है ना, सभी का बाबा से लव है ना, है ना? अच्छा, लेकिन आप कभी लव में रहते हो, कभी लव में लीन रहते हो, नहीं तो देखो मन बुद्धि द्वारा स्थिति में बाप का सर्व संबंधों में साथ है। बाबा क्या कह रहे हैं, मन बुद्धि द्वारा स्थिति में बाबा का सर्व संबंधों में साथ है, साथ भी है और सेवा में बाबा हर समय साथी है। जो भी सेवा करो ना हर समय बाबा साथी है। दो बातें, बाबा साथ भी है और हर सेवा में हर समय साथी भी है। तो स्थिति में साथ है और सेवा में साथी है। जहां सदा साथ भी है साथी भी है वहां क्या मुश्किल है? जवाब दो बाबा को। जहां सदा साथ भी है और साथी भी है वहां क्या मुश्किल है? परम आत्मा की महिमा ही है ना मुश्किल को सहज करने वाले। तो ऐसा बाप आपके साथ है और साथी है तो मुश्किल हो सकता है क्या, पूछ रहे बाबा। फिर क्यों मुश्किल करते हो? बाबा कहते मुश्किल है क्या, फिर क्यों मुश्किल करते हो? तो क्यों योग कठिन लगना चाहिए, क्यों धारणा कठिन लगनी चाहिए? समय प्रमाण बाप स्वयं हर बच्चे को सर्व संबंधों की ऑफर करते हैं। जैसा समय वैसे संबंध से साथ रहो व साथी बनाओ। बाबा कौन सी ऑफर कर रहे हैं? जैसा समय वैसे संबंध के साथ बाबा के साथ रहो। बाबा मेरा पिता है तो मैं कौन हूं, बच्चा बनकर चलो। वो मेरा टीचर है, मैं उसका स्टूडेंट हूं, गॉडली स्टूडेंट।
बाबा मेरा सदगुरु है, मैं उसका शिष्य हूं। मेरा बाबा मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो मैं भी उसका कौन हूं? बेस्ट फ्रेंड। मेरा बाबा मेरा साजन है, तो मैं कौन हूं? सजनी। बाबा मेरा बच्चा है, राइट? बाबा मेरा बच्चा है। तो बाबा से हम हर संबंध जोड़ सकते हैं ना। अच्छा, बाबा कहते हैं बच्चे क्या करते, कोई समय तो संबंध में साथी बनाते और कोई समय साथी को किनारे कर देते हो। भूल कहां से हो रही है? हमारे से हो रही ना। कोई कोई समय बाबा से बहुत अच्छा संबंध निभाए हैं और कोई समय लौकिक संबंधी साथी आ गए, फिर बाबा को किनारे कर देंगे। फिर कहते अकेलापन फील होता है। चलते चलते अकेलापन लगता है, और अकेलापन होने से क्या होता? अपने श्रेष्ठ जीवन, साधारण जीवन अनुभव होती है। फिर कहते बोरिंग लाइफ हो गई, कुछ चेंज चाहिए। एक तरफ बाप दादा को खुश करते, हम तो कंबाइंड है, कहते ना बोरिंग हो गई लाइफ, सेम सेम वही चल रहा है, इट्स वेरी बोरिंग। बोरिंग क्यों हुआ? बाबा को एक ही संबंध से याद कर रहे। अगर बाबा को सारे संबंध से याद करेंगे तो लाइफ तो कभी बोरिंग होगी ही नहीं। जो सदा रिश्तों के साथ रहते उन्हें जीवन कैसे लगती है? सुहावनी। तो चलते चलते अकेलापन आता है, लगता है, और अकेलापन होने से क्या होता? अपने श्रेष्ठ साधारण जीवन अनुभव होती। फिर कहते बोरिंग लाइफ है, कुछ चेंज चाहिए। एक तरफ तो बाप दादा को खुश करते, हम तो कंबाइंड है। अरे कंबाइंड कभी अकेला होता है क्या? बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते, बाबा हम तो कंबाइंड हैं। क्या करते? बाबा को कहते बाबा हम तो है ही कंबाइंड। फिर 15-20 वर्ष बीतता तो कहते अब चेंज चाहिए, अकेले हो गए। वैसे भी देखो, दुनिया में अगर चेंज चाहते हैं तो कोई सागर के किनारे पर जाकर सोते, कोई मनोरंजन में चले जाते डांस करते, कोई गीतों की मौज में मौज मनाते, कोई कंपनी या कंपेनियन का साथ लेते हो, या भी यही करते हो ना, खेल करते हो, खेलों की दुनिया में बगीचे से चले जाते हो, बगीचे में चले जाते हो, या ज्ञान सागर का किनारा है ये भूल जाते हो। अगर सागर पसंद है तो सागर के किनारे बैठ जाओ ना। बाबा ज्ञान का सागर है ना, बाबा कंपेनियन नहीं है क्या? उससे मजा नहीं आता? बाबा सिर्फ ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर नहीं है, तो उसके साथ साथ बाबा कौन है? हमारा कंपेनियन है, साथी है। तो बाबा कहते हैं तो साथी को साथ क्यों नहीं रखते हो? क्या बाबा से मजा नहीं आता? बाबा से बातें करो, बहुत मजा आएगा। बाबा से दृष्टि लो, बाबा का वरदान लो, बाबा को लेकर हर कार्य करो। चलो भी ना बाबा के साथ, बातें करो बाबा से जैसे किसी रिश्ते के साथ बातें करते हैं, तो मजा आएगा। या समझते बिंदी से क्या मजा आएगा? आप सभी को सदा बहलाने के लिए तो ब्रह्मा बाप भी अव्यक्त हुए ना, लेकिन यहां तो सदा का साथी चाहिए ना। जब भी अपने को अकेलापन अनुभव करो तो उस समय बिंदु रूप ने याद करो। वो मुश्किल होगा, इससे बोर हो जाएंगे, लेकिन अपने ब्राह्मण जीवन की भिन्न भिन्न समय के रमणीक अनुभव की कहानियां स्मृति में लाओ। समझा? जब अकेलापन महसूस हो रहा है ना, उस समय बाबा को, ज्योति बिंदु बाबा, शिव बाबा, वो पद याद करो, फिर और अकेलापन बढ़ेगा। अभी बाबा क्या कहते उसके बजाय, हर एक ब्राह्मण आत्मा ने अपने ब्राह्मण जीवन में कोई ना कोई रमणीक अनुभव किया है,
बहुत खुशी मिली, बहुत आनंद मिला। रमणीकता का अनुभव बाबा कहते उसकी कहानी स्मृति में लाओ। अनुभव की कहानियों का किताब सभी के पास है, तो जब बोर हो जाते हैं तो नॉवेल्स पढ़ते हैं ना, तो आप अपने कहानियों का किताब खोलो और उसे पढ़ने में बिजी हो जाओ। अपने स्वमान की लिस्ट को सामने लाओ। अच्छा, अपने प्राप्तियों की लिस्ट को भी सामने लाओ। ब्राह्मण संसार के विचित्र प्रैक्टिकल कहानियों को स्मृति में लाओ। अकेलापन दूर करने के लिए बाबा देखो आज कितने सारे ऑप्शंस दे रहे हैं। स्वमान को याद करो, प्राप्तियों की लिस्ट सामने लाओ, ब्राह्मण संसार के बहुत विचित्र प्रैक्टिकल कहानियां हैं, तो बाबा कैसे उसे स्मृति में लाओ। जिसे अपने को चेंज करने के लिए समाचार पत्र पढ़ने का भी आधार लेते हैं ना, तो ब्राह्मण संसार के कितने अलौकिक समाचार आदि से अब तक देखे व सुने हैं। देखो, समाचार पत्र भी तो आपके पास है, कईयों को तो पेपर पढ़ने के बिना चैन भी नहीं आता। अच्छा, पेपर भी आपके पास है तो पेपर पढ़ो। डांस और साज को तो जानते ही हो, तो फिर बिना थकावट के डांस करते हो। मन मनाभव होना ही सबसे बड़ा मनोरंजन है, क्योंकि सर्व संबंधों का रस व अनुभूतियां करना ही मन मनाभव है। सर्व संबंधों का अनुभव व सर्व संबंधों का रस, ये अनुभव करना ही क्या है, मन मनाभव है। जैसे अपने को चेंज करने के लिए समाचार पत्र पढ़ने का भी आधार लेते हैं, तो ब्राह्मण संसार के कितने अलौकिक समाचार आदि से अब तक देखे हैं व सुने हैं। समाचार पत्र भी आपके पास है, कईयों को पेपर पढ़ने के बिना चैन नहीं आता। अच्छा, पेपर भी आपके पास है, पेपर पढ़ो। डांस और साज को तो जानते ही हो, तो बिना थकावट के डांस करते हो ना। बाबा कह रहे बिना थकावट के डांस का तो देखो सभी तैयार हो जाते, तो बिना थकावट के डांस करते हो ना, तो मन मनाभव होना ही सबसे बड़ा मनोरंजन है। अंडरलाइन, सबसे बड़ा मनोरंजन कौन सा? मन मनाभव होना ही सबसे बड़ा मनोरंजन है, क्योंकि सर्व संबंधों का रस व अनुभूतियां करना ही मन मनाभव है। और मन मनाभव देखो बाबा क्या कह रहे हैं, सर्व संबंधों का रस व अनुभूति करना, बाबा से वो फील आ जाए, बाबा मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बाबा मेरा बच्चा है, मैं उसे फील करूं, शिव मेरा लाल है, वो मेरा ध्यान रख रहा है, बाबा मेरा सदगुरु है, रोज मुझे वरदानों से भरपूर करता है, वो मेरी माँ है, मुझे हमेशा क्षमा करती है, मेरे पर प्यार बरसाती है। तो बाबा कहते हैं उन सर्व संबंधों का रस व अनुभूति करना मन मनाभाव है। सिर्फ बाप के रूप में या विशेष तीन रूपों के संबंध से अनुभव नहीं, लेकिन सर्व संबंधों के स्नेह का अनुभव कर सकते हो। संबंधों से याद तो करते हो, लेकिन फर्क क्या हो जाता? एक है दिमाग के नॉलेज के आधार पर संबंध को याद करना, दूसरा है दिल से उस संबंध के स्नेह में लव में लीन हो जाना। जैसे एक है, जैसे हम भक्ति में गाते थे ना, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तो जैसे हमने गाया, दिमाग से गाया, दूसरा दिल से उस संबंध को फील करना, उसे महसूस करना, उसमें खो जाना, उसके प्यार में खो जाना। तो बाबा कहते फर्क है ना। अच्छा, बाबा कहते हैं आधा तो करते हो, बाकी आधा रह जाता है, इसलिए थोड़ा समय
ठीक रहते हो और थोड़े समय के बाद सिर्फ दिमाग से ही संबंध को याद किया तो फिर दिमाग में दूसरी बात आने से दिल बदल जाता है। दिमाग में तो बातें आती रहेंगी ना। हाँ, तो बाबा कहते क्या होता है, थोड़ी देर दिमाग से बाबा को याद किया, कमेंट्री चल रही है बाबा के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति। अभी उसी प्रमाण हम बाबा को याद कर रहे हैं। लेकिन बाबा कहते उस समय दिल जो हो ना वो फील होना चाहिए, वो रस आना चाहिए, वो नहीं आया तो दिमाग में दूसरी बात आ गई तो दिल भी वहां से हट जाएगी, फिर मेहनत करनी पड़ती। फिर क्या कहते हो, हमने याद तो किया, बाबा मेरा कंपेनियन है, लेकिन कंपेनियन ने तोड़ तो नहीं निभाए। फिर क्या कहते हैं, इतना योग करते मैंने बाबा को कितना कहा, मेरा तो एक ही बाबा और कोई नहीं, फिर भी बाबा मेरी ये इच्छा क्यों नहीं पूरी कर रहा है, बाबा ने मुझे मदद क्यों नहीं की, अनुभव तो कुछ हुआ नहीं। ये दिमाग से याद किया ना, दिल में स्नेह को समाया नहीं। देखो लीकेज कहाँ है, दिल में स्नेह को समाया नहीं। जब भी कोई बात दिमाग में आती है तो वो निकलती भी जल्दी है, लेकिन दिल में जो समा जाती है ना तो उसको चाहे सारी दुनिया भी दिल से निकालना चाहे तो भी वो नहीं निकल सकते। समझा, बाबा कहते एक बार दिमाग से कोई बात निकल सकती है, दिमाग से मिट जाएंगे, लेकिन एक बार आपने जो फील किया, अनुभव किया, महसूस किया, वो आपका अपना अनुभव हुआ ना। बाबा कहते उस अनुभव को तो सारी दुनिया मिटा नहीं सकती। आप क्या कहते हो, मुझे अनुभव है ना, मैंने अनुभव किया है ना, तो सर्व संबंधों को समय प्रमाण, जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता है, आवश्यकता है फ्रेंड की, याद करो बाप को, मजा तो नहीं आएगा। इसलिए जिस समय जिस संबंध की अनुभूति चाहिए उस संबंध को स्नेह से दिल से अनुभव करो। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही, मुझे आवश्यकता है, मुझे लग रहा है मेरा दिल मैं खाली करूं, बहुत भर गया है, किसी के साथ ना मैं चैट करूं, बात करूं, तो ऐसे समय पर कौन चाहिए, फ्रेंड, बाबा इज माय बेस्ट फ्रेंड। चलो बाबा के साथ उसके बेस्ट फ्रेंड्स बनकर एक फ्रेंड की तरह बहुत अच्छी बातें करें, सब दिल की बातें खोल दे, हल्का लगेगा ना। लेकिन उस समय आप सिर्फ शिव बाबा कहेंगे तो बाबा कहते फिर वो मजा नहीं आएगा। तो संबंधों को कैसे अनुभव करो, दिल से स्नेह से अनुभव करो, फिर मेहनत भी नहीं लगेगी, बोर भी नहीं होगे, सदा मनोरंजन। तो इस वर्ष क्या करेंगे, मनोरंजन का अनुभव, मतलब कोई भी संबंध खाली नहीं लगेगा। कई बार जीवन में किसी रिश्ते की कमी होती है, कोई रिश्ता चला जाता है, कोई रिश्ता छूट जाता है, किसी रिश्ते की साथ है लेकिन उसका हम साथ साथ है की फीलिंग नहीं है, तो बोर हो जाते, अकेले पड़ जाते, लेकिन बाबा के साथ सारे संबंध निभा सकते हैं। इसलिए आज बाबा ने क्या कहा, जिस समय जो समय की डिमांड है उस हिसाब से वो रिश्ता बाबा के साथ जोड़ो। अभी मेहनत से निकलना है, हर मास सिर्फ ओके लिखना और कुछ नहीं लिखना। सुना बाबा क्या कहते हैं, बाबा हम बच्चों से चाहते हैं बच्चे सिर्फ ओके लिखे, मतलब ऐसी स्थिति बनाए जो सिर्फ ओके लिखे, ओके से समझ जाएंगे, मेहनत से निकल गए, लंबे लंबे पत्र नहीं लिखना, नहीं तो कहते पत्र तो लिखा जवाब नहीं मिलता, ऐसे नहीं आपके पत्र पहुंचते नहीं। अब पत्र लिखना शुरू करते हो वह कंप्यूटर में पहले आ जाता है, पोस्ट में पीछे पहुंचता है। वैसे बाप दादा इतने लंबे पत्रों का रोज की मुरली में सबको जवाब देता है, रोज पत्र बाबा लिखते हैं,
अच्छा, इतना लंबा पत्र कोई लिखता है क्या? बाबा की मुरली हम बच्चों के लिए रोज का पत्र है। अच्छा, ये पत्र कितना छोटा है? हाँ, तीन तीन इसके क्या पन्ने हैं इस पत्र के? तीन पन्ने क्या कहेंगे हम? चार पेज की मुरली आती है। हाँ, तो बाबा कहते रोज इतना बड़ा पत्र कोई लिखेगा क्या? तो इतने अपने स्वमान को देखो कि परमात्मा का कितना प्यार है आप सबसे। परमात्मा का प्यार है तब तो पत्र लिखते हैं ना, अर्थात मुरली में उत्तर भी देते, याद प्यार भी देते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन उठता है, कोई भी समस्या सामने आती है, तो मुरली से रिस्पॉन्स मिलता है, तो फिर कभी शिकायत नहीं करना कि उत्तर नहीं आया। देखो, हर बच्चे का अनुभव क्या है। आज मेरे मन में ना कुछ था, ऐसे लगता था बाबा को पूछूंगे, और जैसे मुरली सुनने बैठे, बस मुरली में से बाबा ने जवाब दे दिया। तो बाबा कहते अच्छा, कभी शिकायत नहीं करना उत्तर नहीं आया, बाकी अच्छा करते हो, जो दिल में बात आती है वो बाप के आगे रखना, अर्थात दिल से निकाल दिया, वो भले करो लेकिन शॉर्ट लिखो ना। पत्र जब लिखते हो तो उसी समय दिल तो हल्की हो जाती है ना, पत्र लिखते हैं ना, तो बाबा कहते उस समय तो दिल हल्की हो जाती है ना, क्योंकि दे दिया ना। फिर दूसरे दिन की मुरली उस विधि से देखो, जो मैंने पत्र लिखा उसका उत्तर क्या है। दिस इज द ब्यूटी। चाहे आपस में कल कोई बातचीत हुई हमारी, किसी कोई डिस्कशन करता है, कोई किसको अपनी प्रॉब्लम सुनाता है, ब्राह्मण बच्चे, और फिर दूसरे दिन देखो सुबह की मुरली में क्या कहते, बाबा ने उत्तर दिया, बाबा ने उत्तर दिया। कहते ना, रेस्पॉन्स मिलता तो है ना। तो बेहद का बाप है तो पत्र भी बेहद का लिखेगा, छोटा थोड़े लिखेगा। तो बाप दादा ने देखा चारों ओर के डबल विदेशी बच्चे सेवा में अच्छी लगन से लगे हैं, एक एक को देखते हैं तो हर एक एक दो से प्यारे लगते हैं। अगर नाम लेंगे तो कितने नाम लेंगे, इसलिए सभी, अभी सुनो बाबा क्या कह रहे हैं, सभी अपने नाम से विशेष सेवा की रिटर्न मुबारक स्वीकार करना। बाबा क्या कह रहे, सभी बच्चे अपने अपने नाम से बाबा से विशेष सेवा की रिटर्न मुबारक स्वीकार करना। नाम लेना शुरू करेंगे फिर तो माला बनानी पड़ेगी, लेकिन माला के सभी मन के बाप दादा के सामने है। समय प्रति समय सेवा बेहद की और सफलता संपन्न होती जा रही है। वर्तमान समय विशेष विदेश में दो सेवाओं का रिजल्ट अच्छा प्रत्यक्ष हुआ। अनेक प्रकार की सेवाएं तो चलती रहती, लेकिन विशेष एक ये ग्लोबल बुक जो मेहनत करके तैयार किया, उसके निमित्त चारों ओर विशेष आत्माओं का संबंध संपर्क में आना सहज हो गया। तो जिन बच्चों ने दिल और जान सिख और प्रेम से समय दिया, सहयोग दिया, उसके प्रत्यक्ष फल सेवा के निमित्त आत्माओं को बाप दादा पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। साथ साथ जो अभी डायलॉग या रिट्रीट किया उसके रिजल्ट भी तो पहले से अच्छे थे, अच्छी रही। तो सभी देश वालों ने इसमें जो सहयोग दिया उन सब की मुबारक। अच्छा, लक्ष्य अच्छा रखा तो चारों ओर अब इस दो प्रकार की सेवा की अच्छी धूमधाम चल रही है, आगे भी चलती रहेगी। बाप दादा को याद है,
पहले विदेश से वी आई पीस तो छोड़ो, आई पीस लाना भी मुश्किल लगता था। विदेश की सेवा बहुत डिफिकल्ट थी, बहुत हार्ड थी। बाबा को वो याद है। और अभी तो सहज लगता है ना, तो ये सेवा का प्रत्यक्ष फल है। और कितनों की दुआएं मिले, जिसके हाथ में बुक जाता है उन सबकी दुआएं किसके हक खाते में जमा होती है, जो निमित्त बनते हैं ना। चाहे देने की सेवा कर रहे, चाहे बनाने की सेवा कर रहे, चाहे आइडिया निकाल रहे, चाहे लिखने की, सबको दुआएं मिलते हैं। तो बाबा की कोई भी सेवा, चाहे वो ग्लोबल बुक था, जिसकी आइडिया थी, जिसने वो बुक लिखा, जिसने प्रिंट कराया, जो दे रहा है, जो बांट रहा है, जो समझा रहा है, बाबा कहते हैं उन सब के खाते में बाबा की दुआएं, लोगों की दुआएं जमा होती जाती हैं। तो कितनी दुआएं मिल रही है, बहुत दुआएं मिलती है। आप सिर्फ रिसीव करो। बाबा क्या कह रहे, आप सिर्फ उसे लेते जाओ, लेते जाओ। अपने में ही बिजी रहते हो तो दुआएं रिसीव नहीं करते हो। बहुत सूक्ष्म पॉइंट बाबा ने कही। अपने में इतने बिजी रहते हैं ना कि दूसरे आपको दुआएं भेज रहे हैं, तो बाबा कहते आप रिसीव नहीं करते हो। और जो भी वीआईपीज या आईपीज संपर्क में आते, तो एक कितनों को अनुभव सुनाएंगे, तो उन सभी की दुआएं ब्राह्मण आत्माओं को बहुत बहुत प्राप्त होती। अगर दुआएं रिसीव करो ना, तो भी संपन्न तो हो ही जाएंगे। सिर्फ दुआएं बाबा कहते रिसीव करो, दुआओं को लेना समझो। दुआएं कैसे रिसीव करनी है, कैसे लेना है, तो बाबा कहते संपन्न हो जाएंगे, दुआएं लेते लेते संपन्न हो जाएंगे। बुक भी अच्छा निकाला और ये प्रोग्राम भी बहुत अच्छा है। और भारत वालों की विशेष सेवा, अभी कार यात्रा की चल रही है। बिजनेस विंग के भाई बहनों ने 11 कारों की एक रैली राजकोट से बॉम्बे तक निकाली, जिसमें अनेक प्रकार की सेवा हो रही है। उसके भी रिजल्ट बहुत अच्छे निकल रही है। आगे एक भी निमित्त बन गए ना, तो अनेकों का भाग्य जगाते रहेंगे। तो ये भी सेवा के रिजल्ट अच्छी दिखाई दे रही है। जो भी इस सेवा के निमित्त है, उमंग उत्साह से बट रहे हैं, उन सभी को भी, चारों ओर के भारतवासी बच्चों को, सहयोगी बच्चों को, निमित्त बच्चों को बाप दादा मुबारक देते हैं। मेहनत नाम मात्र और सफलता ज्यादा। अब ऐसी सेवा के प्लान बनाओ। इस सेवा में भी वो दिखाई देता है, मेहनत कम रिजल्ट ज्यादा। ऐसे विदेश के दोनों प्रोग्राम में भी ऐसे हैं। अच्छा, अभी बाबा की याद प्यार स्वीकार करते, अपने टाइटल सुनो। देश विदेश के सर्व सेवा में उमंग उत्साह से आगे बढ़ने वाले, अथक बन औरों को दान वरदान देने वाली आत्माओं को, चारों ओर के बाप के सर्व संबंध के लव में लीन रहने वाले लवलीन आत्माओं को, सदा सहज अनुभव करने औरों को भी सहज अनुभव कराने वाले सहज योगी आत्माओं को, सदा स्वयं को स्वमान द्वारा सहज देह भान से मुक्त करने वाले जीवन मुक्त आत्माओं को, सदा बाप को साथ अनुभव करने वाले और साथी अनुभव करने वाले समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। वाह बाबा वाह,
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया वरदा। अपने आदि और अंत दोनों स्वरूप को सामने रख खुशी व नशे में रहने वाले स्मृति स्वरूप बाबा। अपने आदि और अंत दोनों स्वरूप को सामने रख खुशी व नशे में रहने वाले स्मृति स्वरूप बाबा। विस्तार। जैसे आदि देव ब्रह्मा और आदि आत्मा श्री कृष्ण दोनों का अंतर दिखाते भी साथ दिखाते हो, ऐसे आप सब अपना ब्राह्मण स्वरूप और देवता स्वरूप दोनों को सामने रखते हुए देखो, आदि से अंत तक हम कितनी श्रेष्ठ आत्माएं रही हैं। आधा कल्प राज्य भाग्य प्राप्त किया, आधा कल्प माननीय पूजनीय श्रेष्ठ आत्मा बने, तो इसी दशे और खुशी में रहने से स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। आज बाबा ने क्या कहा, कौन सी आत्मा हम रहे, श्रेष्ठ आत्मा। आधा कल्प राज्य भाग्य किया, आधा कल्प माननीय पूजनीय श्रेष्ठ आत्मा बने, तो बस इस खुशी में रहो। तो आज के इस वरदान को याद करते हैं, रिपीट करते हैं। अपने आदि और अंत दोनों स्वरूप को सामने रख खुशी व नशे में रहने वाले स्मृति स्वरूप भव। अपने आदि और अंत दोनों स्वरूप को सामने रख खुशी व नशे में रहने वाले स्मृति स्वरूप भव। चलिए बाबा का वरदानी हाथ हम अपने मस्तक पर अनुभव करें। आज का स्लोगन, जिनके पास ज्ञान का अथाह धन है उन्हें संपन्नता की अनुभूति होती है। बहुत सुंदर माइंडसेट है, संपन्न रहना, भरपूरता का अनुभव करना। तो यह अनुभव किसको होगा, बाबा कहते जिसके पास बहुत ज्ञान धन है। ज्ञान के बहुत सारे पॉइंट्स उनके दिमाग में बुद्धि में है, तो समय प्रति समय उसे रिवाइज करते, उसे बांटते जाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो वो आत्मा सदा क्या अनुभव करेंगी, भरपूरता का। अप्रैल मास का अव्यक्त इशारा, इसकी थीम क्या, समय की समीपता प्रमाण, अव्यक्त फरिश्ता बनो। सेकंड अप्रैल, हर बात में वृत्ति दृष्टि कर्म सब में न्यारापन अनुभव हो। ये बोल रहा है लेकिन न्यारा प्यारा, आत्मिक प्यारा, ऐसे फरिश्तेपन की अनुभूति स्वयं भी करो औरों को भी कराओ। ब्रह्मा बाप जो फरिश्ते रूप में अब सबका साथी है, अब उनके समान अब सभी को फरिश्ता बनना है, फिर परम धाम चलना है। इसके लिए मन की एकाग्रता पर अटेंशन दो, ऑर्डर से मन को चलाओ। आज बाबा ने क्या कहा, अव्यक्त फरिश्ता बनने के लिए हर बात में न्यारापन, डिटैच। बोल भी रहे हैं ना, आत्मिक बोल, बहुत न्यारा प्यारा मिठास,
तो बाबा कहते क्या होगा, इससे सामने वाले को भी अनुभव होगा। वो कहेंगे ये कोई अलौकिक आत्मा है, ये कोई विशेष आत्मा है। फिर बाबा कहते बच्चे मन की एकाग्रता पर विशेष अटेंशन दो, जो भी संकल्प करो उस पर बहुत एकाग्रचित्त हो जाओ, ऑर्डर करो मन को, ऑर्डर करो। तो एकाग्रता से क्या हो जाएगा, अनुभूति होती जाएगी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। चले बाबा को हम याद करते हैं सभी।
चमन में खिलते लाखों चिंतन के स्नेह सुमन, सिहर जाता अंतर मेरा दुआओं से भर के दामन, जिंदगी के आंचल को गुणों से ऐसा सजाती है तेरी याद से बाबा मन में एक दिव्य शक्ति भर जाती है, तेरी याद से बाबा मन में एक दिव्य शक्ति भर जाती है, नैन से नूर छलकता हो, नैन से नूर छलकता मेरी सांसों को महकाती है, तेरी याद से बाबा मन में एक दिव्य शक्ति भर जाती है, तेरी याद से बाबा मन में एक दिव्य शक्ति भर जाती है।